नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। बच्चे की मौत के बाद परिजन इतने आक्रोशित हो गए कि डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की, यहां तक कि क्लिनिक में भी जमकर तोड़फोड़ की। मामला कटिहार से जुड़ा है। आपको बता दें कि कटिहार के एक निजी क्लिनिक में गुरुवार को मरीज ने जमकर बवाल किया। इस दौरान मरीज के परिजनों ने वहां तैनात डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की। दरअसल परिजन मरीज के बच्चे की मौत को लेकर काफी आक्रोशित थे। वहीं बवाल के दौरान परिजनों ने क्लिनिक में तोड़फोड़ भी की। इधर नगर थाना पुलिस सामने मौजूद रहकर भी मुखदर्शक बने रहे। बताया जा रहा है कि सुबह श्वेता कुमारी अपने पति के साथ डॉक्टर लक्ष्मी सेन के क्लिनिक में बच्चे की डिलीवरी कराने आई थी, जहां इलाज के नाम पर अस्पताल प्रशासन ने महिला से 50,000 रुपए लिए, लेकिन इलाज में लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन काफी उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। घटना के बारे में पीड़ित विशाल कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी जब से प्रेग्नेंट हुई थी, तब से वह डॉक्टर लक्ष्मी सेन को ही दिखा रही थी। आज उनकी पत्नी का डिलीवरी था और उनके द्वारा डॉक्टर लक्ष्मी सेन के क्लिनिक में डिलीवरी के लिए पत्नी को भर्ती कराया, जहां इलाज में लापरवाही बरतने के कारण बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान हम बाहर इंतजार कर रहे थे। काफी पूछताछ करने पर भी डॉक्टर के द्वारा घटना के बारे में बताया नहीं गया। बाद में परिजन खुद ऑपरेशन थिएटर में चले गए, जहां परिजनों ने बच्चे को मृत देखा, जिसके बाद परिजन आग बबूला हो गए। परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया। परिजन और उनके सहयोगी नर्सिंग होम में जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया। जो भी यहां समझाने की कोशिश करते उन्हें परिजन मारने पीटने लगे। खास बात यह रही कि हंगामा होने से पहले ही क्लिनिक की ओर से प्रशासन को फोन कर दिया गया था। वही प्रशासन भी सूचना मिलते ही समय पर पहुंच गए, लेकिन हंगामा और मारपीट को देखकर प्रशासन मुखदर्शक बने रहे। उनकी ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इधर परिजनों का मांग था कि इस क्लिनिक को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। वहीं जब इस मामले में डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि प्रसूति मरीज उन्हीं के यहाँ दिखाते थे, लेकिन पिछले कई महीनों से उन्होंने कोई जांच नहीं करवाया और डायरेक्ट आज सुबह पेशेंट को उनके क्लिनिक में एडमिट करा दिया गया, जहां उन्होंने बताया कि बच्चा पेट में उलट गया है और उसकी पेट में ही बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे को बाहर निकाला गया तो बच्चा मृत हालत में पड़ा हुआ था, जिसके बाद घर वालों के साथ बाहरी लोग भी इस मारपीट और तोड़फोड़ में शामिल हो गए। आपको बता दें कि ये कोई नया मामला नहीं, ऐसे कई जो क्लिनिक है वो चल रहे हैं, अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है। अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में भी ऐसे अवैध क्लिनिक है जो पैसे के बल पर चलाया जाता है और मासूम पीड़ित की मौत हो जाती है, जिसके बाद प्रशासन लिपापोती में जिसके बाद प्रशासन लिपापोती करने में जुट जाती है। न्यूज़ पीआर की टीम भी सरकार और प्रशासन से यही गुहार लगाती है कि ऐसे निजी क्लिनिक जो कि अवैध है उसे बंद कराया जाए। तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।